मेरा कुछ नेटवर्क के इशू के कारण मेरा मतलब ये कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ चुका था इसके लिए मेरा वीडियो वहाँ शॉर्ट हो चुका है अभी फिर आपको एक छोटा वीडियो और उसके साथ में हम ऐड करके दिखा देंगे तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में ये आपको ये फिशिंग क्या बोलता है फ़िशिंग तालाब बोलते हैं तालाब भी बोल सकते हैं फिशरे भी बोल सकते हैं जिसमें मशीन में जो रस्सी लगा जो के जो खींच के जो मच्छी पकड़ते हैं उसको फ़िशिंग करते हैं देखिए एक मच्छी का मतलब थोड़ा उबला हुआ पानी दिखाई दिया थोड़ा सा तो चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ पे तो आप लोग भी मतलब ये वीडियो को मैंने पहले वीडियो में बोल नहीं सका क्योंकि कुछ नेटवर्क के इशू के कारण मैं क्योंकि सोचा था कि जल्दी है मतलब आप लोग को अपडेट करके दिखा दो इस चक्कर में मेरा नेटवर्क का कुछ इशू हो चुका था इसके लिए मैं आगे आपको दिखा नहीं सका इसके लिए मैं एक छोटा वीडियो और बना रहा हूँ यही तालाब का तो देखिए ये तालाब है आप देख सकते हैं ये तालाब के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताया क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से मेरा व्यूवर्स लोग को भी बुरा लगता है इसके लिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो अभी मतलब ये चारों तरफ से आपको पूरा नहीं दिखाते हुए पहले उस तरफ़ का वीडियो आपको दिखाया था अब इस तरफ का आपको दिखाएंगे वीडियो आप देख पा रहे हैं मैंने एक किलोमीटर जो आपको लंबा बोला था आप देख पा रहे हैं जी को कितना छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा कैमरा का कैपेसिटी उतना ही है देखिए आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है इतना दूरी में है तो चलिए मैं आपको यहाँ से भी आपको फिशरी का आपको डिटेल्स बताते हैं जैसे यहाँ पे मछली वगैरह कितना है आपको वो भी बताते हैं जैसे छोटा मछली बड़ा मछली और कब मछली गिराया गया है वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं तो देखिए यहाँ पे भी एक धार जैसा बनाया हुआ है आप देख सकते हैं बीज में आपको घास भूस नज़र आ रहा होगा और चारा तरफ से पिशारी है तो बीवार से पिशारी देखने में कितना मस्त है ना आप भी आके इसका मजा लीजिए अभी इसको देखिए और इसका मजा लीजिए आप भी। देखिए बीच में आपको घास भूस दिखाई दे रहा होगा बीच में मिट्टी निकला हुआ है और चारा तरफ से पिशारी है तो बहुत ही बड़ा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फिर एक बार दिखाना हो जैसे फ़िशिंग रूम तो ये वीडियो आप भी देखिए और अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए उनको भी देखने का मौका दीजिए ये देखिए ये पूरा तालाब है तालाब के बहुत ही दूर में आपको कुछ घर नज़र आ रहा होगा देखिए ये घर है जैसे एक घर यहाँ पे एक घर यहाँ पे है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया है कुछ चिड़िया भी हल्ला कर रहा है तो मैंने वो कोने पे मैं बाइक आया हूँ बहुत ही बड़ा है तो फिलहाल बाइक के पास जाने में भी कम से कम मुझे एक मिनट लग जाएगा तो मेरा कहने का मतलब जैसे यह फिशर ये आप देख पा रहे हैं तो इसका मज़ा अभी भी लीजिए और एक दूसरे को भी आप लोग शेयर कीजिए हो सकता है क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको पूरा वीडियो देखा ना मतलब देखा ना सकूँ उसके लिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए फिशिंग का रूम देख देख सकते हैं आप चौबीस पच्चीस टू है जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस है आप देख सकते हैं ये सत्ताईस फिशिंग रूम है यहाँ पे बैठ के आदमी लोग फिशिंग करते हैं तो देख सकते हैं ये फिशिंग रूम का मज़ा आप भी आप भी मज़ा लीजिए और फ़िशिंग ये पकड़ने वाला वो जो मशीन बना के आप भी आइए उसका मच्छी पकड़िए उसका शायद कुछ चार्जेबल भी हो सकता है तो मुझे पूरा इसका डिटेल्स मालूम नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं यहाँ से भी पूछते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए बाहर नहीं निकल रहे दरवाज़ा बंद कर चुके हैं तो मेरा कहने का मतलब ये लोग थोड़ा पूछताछ करते हैं देखते हैं कुछ बताते कि नहीं यहाँ पे कुछ दुख मिले रहते हैं तो गैस मैं एक मतलब ये तालाब के सामने में मतलब एक भाई साहब से मिले उनसे पूछते हैं यहाँ का कुछ कैसा सिचुएशन क्या है मतलब आ, आपका नाम अबीज आप लोग यहाँ पे रहते हैं जैसे ये भाई साहब यहाँ पे रहते हैं तो मतलब यहाँ जो फिशिंग करते हैं उसका कुछ चार्ज भी है क्या मतलब जो मच्छी जो पकड़ते हैं उसका कुछ चार्जेबल भी कुछ है मतलब कितना लेते हैं मतलब है, अच्छा, और... उनका थ्रू में है अच्छा, में ले देखने के लिए... अच्छा, अच्छा, तो आप, आप लोग देखभाल करते, हैं ना? देख तो करते है न तो जैसे यहाँ पे जो रूम में बैठ के जो मच्छी का जो पकड़ते हैं उसका मतलब क्या चार्ज लेते हैं हम लेते नहीं वो मालिक लेता है एक बोन्या एक बोन्सी में तीन सौ रूपया मतलब छः बजे तक सुबह छः बजे से शाम छः बजे तक अच्छा अच्छा तो विवर्ष आप सुन सकते हैं जैसे यहाँ फिशिंग करने के लिए सुबह छह बजे से लेके शाम को छह बजे तक ना मतलब एक बंसी का तीन सौ रुपया तो मिले या ना मिले मिले या ना मिले अच्छा अच्छा चलिए तो विवर्ष देखिए वो मछली पकड़ना मतलब नसीब का बात होता है तो यहाँ पे एक भाई साहब मिले हुए तो उनसे पूछ रहा पूछना जैसे आप लोग मतलब ऐसे देखभाल करते है तो मतलब ये पैसा मतलब वो आके शाम को लेके जाते हैं ना वो जो आदमी लोग आता है ना आठ नौ बजे में ऐसे टाइम में आती है आस एक आदमी भी, भी आया नहीं अच्छा अच्छा तो ये भाई बैसप का कहने का, का, के का के मतलब नहीं बढ़ता है फिर वो आता है पैसा लेके चला जाता है ये मेरा यूट्यूब में बन रहा है ठीक है आप लोग को भी मिलेगा चैनल में आप लोग देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आदमी को मालूम नहीं है लेकिन फिशिंग करने वाला आदमी को शौक़ होता है मतलब जैसे अपना बंगला लैंग्वेज में बोलता है इसको इच्छा बोलते हैं और मतलब जैसे एक शौक होता है इस टाइप का तो मतलब यहाँ दिखाने के से और भी आदमी हम लोग भी मच्छी पकड़ने आएंगे तो नहीं। इसके लिए मतलब आप, ए, आपको रहे? तो ठंडा तो तो का मौसम में भी मतलब मच्छी पकड़ते बड़ा मछली भी है दस पंद्रह के जी जैसे ऐसा भी है मतलब ये जो आपको जो तीन सौ रुपए जो मतलब ये जो आपका मालिक जो लेता है उसमें से मछली से कुछ मतलब नहीं मासी से कोई मतलब नहीं जैसे एक मुंशी में बीस के जी मारेगा तो कोई मतलब नहीं अच्छा अच्छा तो तो, तो तो नहीं लगा उसका अच्छा तो तो मतलब इनका कहने का हिसाब से बहुत ही सुविधा है जैसे आप मच्छी पकड़ के चाहे बीस किलो भी लेके जाइए वो मालिक को कोई एतराज़ नहीं है सिर्फ उनको सुबह छः से लेके शाम को छः बजे तक का तीन सौ रुपये का वही जैसे किराया जैसा है ना तो आप लोग मतलब कितने साल से में रहते हैं हम तो यहाँ हुआ अच्छा अच्छा तो चलिए भाई सबसे मिल के मुझे अच्छा लगा तो इन्फॉर्मेशन भी कुछ मिला जैसे कभी कभी मच्छी पकड़ने का शौक़ मुझे भी होगा तो मैं भी कभी आ जाऊँगा तो व्यूवर्स तो इनसे मिलकर अच्छा लगा चलिए आपसे फिर बैट करेंगे तो मेरा कहने का मतलब विवर्ष जैसे ये भाई साहब जो यहाँ पे रहते हैं तो ये भाई साहब जो यहाँ पे रहते हुए मतलब ऐसे देखभाल के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कभी आपको फ़िशिंग करने का ज़रूरत हो आपको दिल चाहे आपको मतलब शौक़ है मच्छी फ़िशिंग करने का तो अभी अभी आ सकते हैं तो ये मतलब सुबह छः बजे से ले शाम को छः बजे तक का मतलब आपको तीन सौ रुपया इसमें से आपको चाहे मच्छी मिले या ना मिले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपको मतलब ये पैसा दे के आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और बहुत सारे आदमी को पैसे मच्छी मिले या ना मिले उसे कोई मतलब नहीं है शौक़ होता है जिसे मैं बंसी मारने जा रहा हूँ इसको बंसी बोलते हैं जिसको रस्सी लगाने वाला बंसी और बहुत किस्म का भी मतलब बंसी होता है तो अभी इसका मज़ा ले सकते हैं आके अभी फिशिंग कर सकते हैं तो सिर्फ आपको सुबह छः से लेके छः बजे तक शाम को अब उसका फ़िशिंग कर सकते हैं सिर्फ तीन सौ रुपये में तो वीवर्स आपको भी मतलब कैसा लगा ये वीडियो मुझे भी लाइक शेयर एंड कमेंट में बताइए और आप भी आपका दोस्त को शेयर कीजिए असम कारबि आंगलोंग नाव बस्ती बस्ती बोलते हैं इसको जैसे ये आपको रंगापार से आते हुए आपको धनशीरी पहुंचने से पहले एक फॉरेस्ट गेट है उससे पहले आपको ये तालाब दिखाई देगा आप यहाँ के आके मची हाँ। मची पकड़ सकते हैं तो विवर्स मेरा में, वीडियो में रास्ता किनारे में में पोस्टर भी लगा हुआ है अच्छा एक पोस्टर भी आपको रंगापाट से आते हुए आपको डैना तरफ में एक मंदिर मिलेगा ये एक भोले बाबा का मंदिर का गेट है उसका ऑपोजिट साइड में आपको एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा वहाँ से उतरने से आपको ये तालाब मिल जाएगा और फिशिंग का जगह भी, भी आपको मिल जाएगा तो ये भाई सब कहने का मतलब हो गया जैसे इनका जो इंचार्ज इन है सुबह आठ नौ बजे आके मतलब इनका पैसा लेके जाते हैं आपको मच्छी मिले या ना मिले चाहे दस किलो पंद्रह किलो बीस किलो जो भी है वो आपका मर्ज़ी है नहीं भी मिलेगा तो आपका मर्ज़ी है तो व्यवर्स में वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं ये वीडियो यह सहमत कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो आगे शेयर लाइक एंड कमेंट कीजिए थैंक यू